देश में लगातार बढ़ते कोरोना संकट पर पीएम मोदी की बैठक। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और कैबिनेट मंत्री राजीव गौबा मौजूद। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी बैठक में कोरोना संकट और लॉकडाउन पर कर रहे हैं मंथन। 3 मई को खत्म हो रही है लॉकडाउन की दूसरी किश्त, आगे की रणनीति पर हो रहा विचार। पीएम संग बैठक में सीडीएस बिपिन रावत और प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा भी मौजूद। कोरोना संकट के बीच आज प्रवासी मजदूरों के साथ तेलंगाना के लिंगमपल्ली में से झारखंड रवाना हुई स्पेशल ट्रेन। रेलवे स्टेशन पर पुलिस के साथ रेलवे स्टाफ ने तालियों के साथ यात्रियों की हौसला अफजाई की। रात 11 बजे झारखंड के हटिया पहुंचेगी विशेष ट्रेन। तेलंगाना और झारखंड के सीएम की मांग पर रेलवे मंत्रालय से मिली थी स्पेशल ट्रेन की मंजूरी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज श्रमिक दिवस की दी बधाई। कहा, लॉकडाउन के दौरान यूपी में श्रमिकों को बड़े पैमाने पर मिला केंद्र की योजनाओं का लाभ। यूपी में आज भरण पोषण भत्ते की दी जा रही है दूसरी किश्त। 30 लाख श्रमिकों को मुहैया कराई जा रही धनराशि। 18 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी योगी सरकार। जिनका राशन कार्ड नहीं बना उनके लिए भी बंदोबस्त। कहा, प्रदेश में किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। यूपी में कोरोना के 18 नए मामले आए सामने। केजीएमयू में 860 सैंपल की जांच में 18 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना के 18 नए मरीजों में आगरा के 10 लोग और लखनऊ के 7 लोग शामिल। एक कोरोना पीड़ित उन्नाव का। देश में कोरोना का कहर जारी। 35,000 के पार पहुंचा कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा। अब तक 1,147 लोगों की कोरोना ने ली जान। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में कोरोना। 10,400 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों की संख्या। कल से अब तक 583 नए मामले। महाराष्ट्र में ही कल से अब तक कोरोना की वजह से 27 लोगों ने तोड़ा दम। मौत का कुल आंकड़ा 459। मुंबई में भी बीमारों की संख्या 7,000 के पार। माया नगरी में अब तक 290 लोग गंवा चुके हैं जान। मुंबई के धारावी में बुरा हाल। 25 नए कोरोना पीड़ित सामने आए। चंडीगढ़ में 13 नए कोरोना पीड़ित सामने आए हैं। बापूधाम इलाके के 12 और सेक्टर 30 में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव। कुल 92 लोग कोरोना पॉजिटिव। पंजाब के कई शहरों में शर्तों के साथ खुली दुकानें। 50 दुकानें 50 स्टाफ का फॉर्मूला लागू। दिल्ली में लॉकडाउन में फंसे 125 मलेशियाई नागरिकों का मददगार बने एसएचओ मनिंदर सिंह। पैसे खत्म होने पर खाने ठहरने का कराया इंतजाम। आंध्र प्रदेश में गुजरात में फंसे अपने 887 मछुआरों को किया रेस्क्यू। सभी को 12 बसों में कृष्णा जिले में लाया गया। कुल 4,400 लोगों को रेस्क्यू करने का प्लान। देश में कोरोना संकट के बीच उस वक्त 130 जिले रेड जोन, 284 जिले ऑरेंज और 319 जिले ग्रीन जोन में घोषित। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली के सभी 11 जिले को रेड जोन में घोषित किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली से सटे गाजियाबाद को ऑरेंज जोन में रखा। डीएम ने कहा, जल्द ग्रीन जोन में होगा गाजियाबाद। नोएडा भी रेड जोन घोषित। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद को भी रेड जोन में डाला गया। दिल्ली सरकार ने आजादपुर मंडी में कोरोना संकट को देखते हुए 2 मेडिकल टीमें बनाई, लेकिन 15 कोरोना पीड़ित सामने आने के बाद भी मंडी सील नहीं करने पर उठे सवाल। गुजरात में 4,000 के पार पहुंचे कोरोना के मामले। अब तक 214 लोगों की जा चुकी है जान। प्रयागराज में महाराष्ट्र के नासिक से लौटे शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप। कॉन्टैक्ट में आए लोगों को किया गया क्वारंटीन। उत्तर प्रदेश में 2,200 के पार पहुंचे कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 40 की मौत। 500 से ज्यादा मरीज ठीक। आगरा में कोरोना के 17 नए मरीज आए सामने। कुल कोरोना पीड़ितों की संख्या 496 पहुंची। अब तक 14 लोगों की जा चुकी है जान। मुंबई से यूपी साइकिल से जा रहे एक शख्स की मौत। पुलिस ने कहा, थकावट और भूख की वजह से हो सकती है मौत। दिल्ली में कल से अब तक कोरोना के 76 मामले आए सामने। 3 की मौत। कुल आंकड़ा 3,515।
राजस्थान में कोरोना के 33 नए मामले आए सामने, मरने वालों की तादाद हुई 58, अब तक 2600 से ज्यादा कोरोना पीड़ित। जयपुर के बाद जोधपुर में कोरोना विस्फोट, 500 के करीब पहुंची मरीजों की तादाद। कोरोना में कम हो रहे हैं हॉटस्पॉट जिले, देश में अब 129 जिले रेड जोन में। कोरोना केस के दुगना होने के मामले में भी बढ़ोतरी, अब 11 दिन में हो रही है दुगनी बीमारों की संख्या। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2600 के पार, अब तक 137 लोगों की गई जान। इंदौर में 72 हुआ मरने वालों का आंकड़ा, अब तक 1513 लोग कोरोना से संक्रमित। बिहार में कोरोना से 400 से ज्यादा लोग संक्रमित, 2 पीड़ितों की मौत। यंग मामले में हाथ गंवाने वाले एसआई पटियाला पहुंचे, पुलिस अफसरों ने किया स्वागत। सुल्तानपुर में लाइन हाजिर दारोगा के स्वागत में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां, वीडियो हुआ वायरल। सूरत में राजस्थान जाने वाले मजदूरों की जुटी भीड़, पास बनवाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जी।